नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कावेंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे नैनीताल से आ रही इस खबर के साथ कि जहां भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैडा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और स्मृति ईरानी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें पिछले कई दिनों से उनके बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाएं चली आ रही थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार साल 2022 में होने वाले चुनावों में उन्हें भीमताल से टिकट देकर अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसी शर्त के साथ वह बीजेपी में शामिल हुए हैं। राम सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद लगातार यह तीसरी बार है जब कांग्रेस और निर्दलीयों ने उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा हो। इससे पहले गंगोत्री और धनोल्टी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो नैनीताल से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता एक और नेता ने ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि अब भीमताल विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब बीजेपी के साथ चुनावों में सामने आएंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रुचि लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण विधानसभा है भीमताल, वहां के विधायक श्री राम सिंह कैडा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राम सिंह कैडा जी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे हैं, कांग्रेस के सचिव भी रहे हैं, 2012 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं आग्रह करता हूं कि श्री राम सिंह कैडा जी को पार्टी में शामिल करने के लिए स्मृति ईरानी जी से मेरा आग्रह है कि उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्रदान करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को कांग्रेस ने निराशाजनक बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखकर अफसोस दिवस मनाया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेसियों ने विरोध करते हुए मौन व्रत रखकर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में यह धरना दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का बेरोजगार आस लगाए बैठा था कि पीएम बेरोजगारी वाले राज्य के लिए रोजगार की सौगात लेकर आएंगे। किसानों को उम्मीद थी कि बर्बरता के खिलाफ प्रधानमंत्री प्रायश्चित के रूप में दो शब्द जरूर कहेंगे, उत्तराखंड सरकार को गन्ने के मूल्य बढ़ाने और बकाया अदायगी के लिए निर्देश देंगे, लेकिन पीएम ने किसानों के लिए कुछ नहीं कहा। तीर्थ पुरोहितों, चार धाम यात्रा, कर्मचारी, मजदूर, गृहणियों से जुड़े मसलों पर पीएम मोदी ने कोई घोषणा नहीं की है। कल ये बहुत ही हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में और इस देवभूमि में पधारे थे और बड़ी उम्मीदों के साथ हमारा बेरोजगार यह उम्मीद कर रहा था कि निश्चित रूप में रोजगार की पोटली लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आज कुछ हमारे रोजगार के विषय में ऐलान करेंगे, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। हमारे तमाम किसान भाई ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रायश्चित के दो शब्द इस ताज़ा घटना पर जिसमें किसानों की जान ले ली गई, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रायश्चित के रूप में दो शब्द अवश्य कहेंगे, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। हमारे तमाम किसान ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करके धामी सरकार को जो गन्ने का पिछला बकाया है वो बकाया देने के लिए निर्देश देंगे, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। हमारे किसान भाई उम्मीद कर रहे थे कि गन्ने के मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी धामी सरकार को निर्देश देंगे, लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। और ये तमाम अफसोस, महंगाई को कम करने के लिए कोई बात हम सुन सकें उनके मुखारविंद से, वो नहीं सुनी गई, इसका अफसोस, ये तमाम अफसोस मिलकर आज यहाँ पर अफसोस के रूप में मनाने के लिए हम सबको विवश करता है। हमने यहाँ पर यह अफसोस मनाया और यह अफसोस सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हमारे पूरे उत्तराखंड के वो तमाम लोग जो उम्मीदों का पिटारा लेकर पिछले कई दिनों से ये उम्मीद बांधे हुए थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी देवभूमि आएंगे और उम्मीदों का पिटारा खोलेंगे, हमारी उम्मीदें पूरी होंगी और उनकी उम्मीद को नाउम्मीदी में बदलते हुए देखने के लिए ये मजबूर होना पड़ रहा है कि हमें कहना पड़ रहा है कि अफसोस है। रोष उत्तराखंड की जनता का है जिसे घोर निराशा हुई है और ये किसानों का आक्रोश है जिनको घोर निराशा हुई है। ये आक्रोश एक शांतिपूर्ण मौन व्रत
और भजन कीर्तन के द्वारा व्यक्त हुआ है वो किसानों की उपेक्षा और यहाँ के नौजवानों की उपेक्षा हुई है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की उपेक्षा हुई है। इन सारी उपेक्षाओं के खिलाफ ये हमारा मौन व्रत और ये भजन कीर्तन का जो प्रोग्राम था वो था। वहीं चमोली में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर चमोली जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने पूरे जिले में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कार्यकर्ताई और सहायिकाओं का कहना है कि वह कई सालों से मानदेय बढ़ाकर 18,000 करने की मांग कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और बाल विकास मंत्री से वार्ता के बाद भी अभी तक इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। सरकार की अनदेखी के चलते प्रदेश संगठन ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है और यदि सरकार आगामी कैबिनेट में उनकी मांग पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो वह अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल शुरू कर देंगी। तो चमोली से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मानदेय बढ़ाने को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है, जिसके चलते उन्होंने आज प्रदर्शन भी किया और उन्होंने कहा है कि अगर उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो वह आगे आंदोलन भी कर सकते हैं। हमारे बस अपने मानदेय बढ़ाने के लिए मांगे ले रखी है और जो कि अभी विधानसभा में हमें बताया गया था और आश्वासन देने के बावजूद भी हमारी मांगे पूरी नहीं की, जिसलिए हमें आज हड़ताल पर बैठना पड़ा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई ये आंगनबाड़ी वर्कर सारे हड़ताल में बैठेंगे। बस यही है हमारी मानदेय बढ़ा दो, बस 18,000 तक की मानदेय बढ़ जाए हमारा और हम तब अपने कार्य बहिष्कार से वापस आ जाएंगे। जब तक नहीं हुआ हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हम बहिष्कार करेंगे। बस हमारी सरकार से यही है कि जल्दी जल्दी से हमारे मानदेय और हमारी सुनवाई हो जाए। बस हम सारे विभाग का काम आंगनबाड़ी करती है, आंगनबाड़ी दवाई बांटने से सैनिटाइजर डालने से राशन बांटने से और BLO का काम सारा आंगनबाड़ी करते हैं। हम सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक जो है फील्ड में रहते हैं। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, टीकाकरण हम कर रहे हैं, दवाई हम बांट रहे हैं, कोरोना में हम पूरे 24 घंटे काम कर रहे हैं दिन रात। इसलिए जो है हमारे जो है 11 सूत्री मांग है, हमको 18,000 जो श्रमिक को मिलता है 18,000 मानदेय मिल जाए, हम सारा काम करने के लिए सारी कार्यकर्ती बहनें तैयार हैं। हमारे बच्चे हम दूध भी लगाएंगे तो 1 kg दूध का कीमत क्या है, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम हमारे बच्चों के लिए 2 जून की रोटी का बंदोबस्त किया जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं पे डटे हैं, हम घर भी नहीं जाएंगे, हम यहीं पे पड़े हैं। वही नैनीताल SOG व बनभूलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस और SOG की टीम ने हल्द्वानी में एक बड़े सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए लगभग 50,000 की राशि के साथ 14 लोगों को हिरासत में ले लिया। मामले की जानकारी देते हुए SP सिटी हल्द्वानी ने बताया कि SOG नैनीताल व बनभूलपुरा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 14 लोगों को IPL पर सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया गया है। बता दें पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तो हल्द्वानी से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पुलिस ने सट्टा लगाते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पुलिस और SOG की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है जिसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग सट्टा लगाते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद बनभूलपुरा जो थाना है उसकी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है SOG टीम के साथ। बनभूलपुरा थाने में आज SOG और बनभूलपुरा पुलिस की टीम के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को सट्टे में और जुए में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 50,000 रुपये की धनराशि बरामद हुई है। इसमें से 9 लोग जो हैं IPL में सट्टा लगा रहे थे। कल राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच था। 9:50 के लगभग पुलिस को जब सूचना मिली, उनके द्वारा रेड डाली गई, तो ये लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। इसमें एक मोबाइल ऐप के थ्रू ये अपने मोबाइल फोन्स पे सट्टा लगा रहे थे। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा मामला गांधीनगर का है, वहाँ पे 4 लोग ताश खेल रहे थे, लगभग 5,500 रुपये की बरामदगी वहाँ पे हुई है। और एक तीसरा मामला था जहाँ पे
बनभूनपुरा इंदिरा नगर में, वहाँ पे भी सट्टा पर्ची के साथ एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ये बताना चाहूँगी कि कल ही कोतवाली लालकुआ में 3 लोगों को सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से एक दिन में 17 लोगों को सट्टे में और जुए में गिरफ्तार किया गया है। ये अब तक की नैनीताल पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें इतने सारे लोगों को एक साथ एक दिन गिरफ्तार किया गया। सर, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया इन पर? ये 13 गैम्बलिंग एक्ट का मामला है और उसी धाराओं में इनको हिरासत में लिया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष। ऋषिकेश के श्यामपुर ग्राम सभा में पानी की किल्लत से जूझ रहे हजारों परिवारों को 2022 में पानी मिलने की उम्मीद है। बता दें, सरकार ने मौजूदा समय में चल रही पानी की किल्लत को 2022 में खत्म करने का दावा किया है। दरअसल जल जीवन मिशन योजना के तहत 9,04,00,000 की पेयजल योजना का शिलान्यास कर दिया गया है। इस योजना को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि यह योजना आगामी 30 साल तक बढ़ने वाली आबादी को भी भरपूर पानी देगी। इस योजना के तहत पूरे क्षेत्र में 44 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही 2 ट्यूबवेल, 2 उच्च जलाशय भी बनाए जाएंगे। दशमलव 6% उत्तराखंड में उन घरों में मतलब पाइप से पानी पहुंच गया है। 2022 का लक्ष्य है, अभी हम उसको बिल्कुल बढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि चुनाव के बीच में ये काम ना रुके। ज़रूरत पड़ेगी तो निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे कि उस सर्वदलीय बैठक में इस बात की सहमति बनाएं कि जल जीवन मिशन का काम ना रुके। अक्सर क्या होता है कि आचार संहिता लगती है तो टेंडरिंग प्रक्रिया और बाकी सब बंद कर दिए जाते हैं। आप लोगों से भी आग्रह है कि कुछ जरूर लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये ऐसे काम हैं जो लक्ष्य समय पर पूरे होने चाहिए। भारत सरकार के नेतृत्व में समय के पहले बहुत राज्यों ने योजनाएं पूरी की हैं, उसमें गोवा है, तेलंगाना है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है। 2022 के जो राज्य है, कोरोना के कारण कुछ गतिरोध था, लेकिन सबने तीव्र गति के साथ में अपने लक्ष्य को मीट आउट करने का काम किया है। उत्तराखंड को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ। देखिए, श्यामपुर ग्राम सभा मेरी वो ग्राम सभा है जहाँ अनेकों मजरों में बहुत दिनों से पानी के लाइन के लिए समस्या बनी हुई थी। और मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं एक गांव एक मजरे में गया तो वहाँ पे लोग हैंडपंप से पानी पी रहे थे। तब से हम प्रयासरत थे कि यहाँ पे पानी का जो लाइन है कैसे आए, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के जनता के द्वारा भी बीच बीच में संज्ञान में लाया गया। लेकिन मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने केंद्र की सरकार का, प्रदेश की सरकार का, जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 905 लाख रुपए का, यानी कि 9 करोड़ रुपए का पेयजल लाइन का जो शिलान्यास है वो आज जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा किया गया। माननीय पेयजल मंत्री उत्तराखंड भी इसमें मौजूद है, बिशन सिंह चौपाल जी। तो मैं इस बात को लेकर संतुष्ट हूँ कि यहाँ आने वाली 30 सालों की इस योजना का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है और सभी परिवार उसमें लाभान्वित होंगे, और साथ साथ 2 जलाशय हमारे उच्च जलाशय उसमें निर्मित होंगे और लगभग 44 किलोमीटर की पेयजल लाइन यहाँ बिछेगी, यानी कि हर घर में नल और नल से जल, उसी योजना से जनता को लाभ मिलेगा। जो भी आप देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनेकों योजना इष्टम संचालित हैं। सड़कों की बात करें तो आज माननीय मंत्री के द्वारा कहा गया, अभी शहरी क्षेत्र में हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, मैंने भाई साहब ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, तो उनको ये लगा शायद ये शहरी क्षेत्र है क्योंकि यहाँ स्कूल हैं, यहाँ सड़कें हैं, यहाँ पेयजल सॉरी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं, और उसके बाद पेयजल लाइन का आज यहाँ काम पूरा हो रहा है। वहीं रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में मरीज को देखने आए तीमारदार ने अस्पताल की नर्स को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद नर्स का सिर दीवार से जा टकराया और नर्स के सिर में चोट आ गई। मामले में पुलिस अस्पताल पहुंचती, उससे पहले ही आरोपी तीमारदार मौके से फरार हो गया। बता दें कि मरीज के तीमारदार द्वारा एक नर्स की पिटाई किए जाने के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया है। वहीं नर्स के परिजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की। मामले में अस्पताल प्रशासन द्वारा आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर चौक स्थित विनय विशाल अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रुड़की से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर तीमारदारों ने नर्स को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में लग गई है। नूरजहां नामक वृद्ध महिला है जो हमारे यहाँ भर्ती थी, जिनका उपचार चल रहा है कमरा नंबर 203 में। हमारी एक स्टाफ जो कि कॉरिडोर में चल के जा रही थी, उसे
मरीजा के परिजन ने आके बहुत जोर से थप्पड़ मारा और उससे बहुत अश्लील हरकत की, जो कि बहुत ही गलत है। और अस्पताल प्रशासन इसके विरुद्ध हर जगह जाने को तैयार है, क्योंकि ये हमारे स्टाफ का मनोबल कम करता है। कोई भी फिर स्टाफ आगे सेवा नहीं करेगा अगर मरीज के परिजन स्टाफ को, जो नर्सिंग स्टाफ है जो सेवा दे रहा है वहाँ पे, उन्हें थप्पड़ मारेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी असहनीय है। सर, ये मामला छेड़छाड़ का है या मारपीट का है? सर, वो लड़की अभी होश में नहीं है, जैसे ही होश में आएगी तब वो एग्जैक्ट बता पाएगी। वो अभी भी हमारे HDU में भर्ती है, उसका CT स्कैन हो रहा है, तो एग्जैक्ट जो है वो बता पाएगी। वीडियो में देखने पे ये आ रहा है कि उसे दबोचा गया और उसे थप्पड़ मारे गए। चमोली में BJP कार्यकर्ताओं और BJP जिलाध्यक्ष ने PM मोदी के राजनीतिक कार्यकाल के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चमोली में 9 ब्लॉकों में कई कार्यक्रम किए। दूसरी और नंदप्रयाग नगर पंचायत में भी प्रधानमंत्री के शासनकाल के 20 साल पूरे होने पर BJP नगर मंडल नंदप्रयाग द्वारा नंदप्रयाग संगम तट पर नगर पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर हेमानी वैष्णव के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर BJP कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्पण के तहत नगर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प भी लिया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अपने कुशल 20 साल के शासक काल के आज 20 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलकनंदा नदी के किनारे सफाई अभियान किया और तत्पश्चात जितने भी लाभार्थी थे चमोली बूथ पर, उन कार्यकर्ताओं ने, उन लाभार्थियों ने मोदी जी के नाम धन्यवाद का पत्र दिया है। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के अनेक योजनाओं को चलाया है और गरीबों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया है, इस बात के लिए मोदी जी का धन्यवाद भी किया है। और सभी कार्यकर्ता श्री बद्रीनाथ अलकनंदा के शीर्ष स्थल से लेकर के और हमारे विष्णुप्रयाग, तत्पश्चात नंदप्रयाग, उसके बाद जो है कर्णप्रयाग, ऐसे ही हम 71 किलोमीटर लंबे श्रृंखला में हमारे सभी कार्यकर्ता जगह जगह सफाई अभियान, जागरूकता अभियान और मोदी जी को धन्यवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज नंदप्रयाग संगम पर भारतीय जनता पार्टी मंडल नंदप्रयाग के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा सेवा ही समर्पण कार्यक्रम अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत नंदप्रयाग मंडल के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान किया और अपने नगर को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी निभाई। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत आज भाजपा मंडल नंदप्रयाग में नंदप्रयाग संगम पर सफाई अभियान चलाया गया। सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। डोईवाला के राजाजी नेशनल पार्क में वन्य जीव सप्ताह के समापन कार्यक्रम का रामगढ़ रेंज में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने शिरकत की। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जंगल से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों व वन विभाग द्वारा मात्र गोष्ठी का आयोजन किया जाता था, लेकिन वन मंत्री हरक सिंह रावत के अथक प्रयासों से पहली बार इस सप्ताह के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं को भी सम्मिलित किया गया और इन छात्रों को वन व वन्य जीवों के महत्व को बताया गया। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि छात्रों को भी वनों की पूर्ण जानकारी मिल सके, इसके लिए वन विभाग छात्रों को जानकारी दी गई है और स्कूलों में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई गई ताकि छात्र छात्राएं नजदीक से वनों के महत्व को जान सकें। एक अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम पूरे देश के अंदर वन्य जीव सप्ताह का मनाते हैं। शुरू शुरू में ये केवल खाना पूर्ति होता था, केवल अनौपचारिकता निभाते थे, लेकिन अब हमने पहले केवल वन मुख्यालय में इस तरह के कार्यक्रम थे। जब से मुझे वन मंत्रालय उत्तराखंड में मिला है, मैंने कहा कि लच्छीवाला में होना चाहिए, जू में होना चाहिए, किसी जंगल में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए और इस बार ये राजा नेशनल पार्क के बिल्कुल जंगल के अंदर इस तरह का कार्यक्रम का समापन आज हो रहा है। कोरोना महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और हमने महसूस
इन जंगलों के महत्व को कोरोना महामारी ने हमको और ज़्यादा कराया, इन जीव जंतुओं के महत्व को कोरोना महामारी ने हमको और महसूस कराया है, और इसलिए इस जंगल को भी सुरक्षित रहें, तभी जल मिलेगा, तभी ऑक्सीजन मिलेगी, इन जीव जंतुओं को सुरक्षित रखेंगे तभी हमको जीवन मिलेगा। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार पंडा समाज का विरोध झेल रही सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा, बल्कि बोर्ड के एक्ट में लिखी गई किसी धारा से पंडा समाज को आपत्ति है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। आपत्तियां दर्ज करने के लिए सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने साफ कहा कि देवस्थानम बोर्ड के एक्ट को किसी ने भी सही तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए कुछ राजनीतिकों के इशारों पर पंडा समाज इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में किसी भी हक हकूकधारी का हक छीनने का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है और विरोध करने वाली समितियों को उन्होंने आपत्तियां दर्ज करने के लिए बुलाया है, जल्द ही वह आपत्तियां लेकर उनका निस्तारण करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। इस मौके पर समिति के कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया है। 3 महीने में से 1 महीने कट गया है, व्यवस्था में 2 महीने बचे हैं, हमको 2 महीने के अंदर इसमें निर्णयात्मक भूमिका बना करके समाधान के रास्ते खोज करके समाधान का सुझाव सरकार सामने रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना है। अब बातचीत तो लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, सभी मिल गए, एक आध लोग छूट गए आने वाले, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, जो छोटे मंदिर हैं जैसे चंद्रवर्णी है, अब हम भी आदमी भेजेंगे वहाँ, जैसे आपका वो गौरादी मंदिर है वहाँ पर चौरास में राजा का छोटे छोटे मंदिर ना, जैसे आपका सैमुखे में, तो जिनको बहुत वो नहीं है, क्या बन जाए तो ठीक, ना बने तो वहाँ हम तो अप्रोच करेंगे उनसे, कोशिश करेंगे कि 2 महीने के भीतर सबसे बात हो जाए, सबके व्यूज आ जाएँ, और उनकी अगर सहायता हो सकती हो तो उसका भी रास्ता निकाल के, इसमें एक्ट में है कि जहाँ साधन नहीं है उनकी वो बोर्ड व्यवस्था करेगा, तनख्वाह दूसरी चीज़ें है इसमें। वहीं पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में भोपाल नर्सरी के पास एक जेसीबी मशीन 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बता दें जेसीबी में 2 युवक सवार थे जो सतपुली से पेट्रोल भरवाने जा रहे थे, तभी भोपाल नर्सरी के पास जेसीबी अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक को मामूली चोट आई है जो खुद ही जैसे तैसे पैदल चलकर खाई से बाहर आ गया, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है जिसे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।